नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। राजस्थान किसान आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में भी किसानों की एक बड़ी जीत हुई है और ऑल इंडिया किसान सभा ने इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हनन मौला मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ ही साथ CPIM के पॉलिट ब्यूरो सदस्य भी हैं। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। तो पहले तो राजस्थान और महाराष्ट्र में जो किसान आंदोलन हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और ये मुख्य डिमांड्स क्या थी और सरकार ने क्या क्या माना है, चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो? इस समय में हो गया क्या राजस्थान, राजस्थान की सरकार अचानक बिजली का बिल 40% बढ़ा दिया, तो हमारा किसान सभा वहाँ तय किया बिजली बिल वापस लो करके, और भारी आंदोलन हुआ। हर जिला में, मोहल्ला में लाखों लोग आ गया असेंबली घेरने के लिए। तो जब असेंबली अनिर्दिष्टकालीन असेंबली घेरने का सूचना लिया, तो मगर जब आखिर में दो दिन पहले सरकार देखा है भारी आंदोलन आ रहा है, तो वसुंधरा राजे ने झुका और 40% बिजली वापस लिया, मगर बाकी जो मांग है वो मांग पे तवाजी नहीं दिया। जो है इसमें एक मेजर है कर्जा माफ़ी, एक है फसल का जो मुआवजा, सरसों वगैरह का बर्बाद होता है उसका मुआवजा का सवाल है, पानी का सवाल है राजेश रेगिस्तान में, ये सब सवाल में कोई ज़्यादा भूमिका नहीं लिया। इसके खिलाफ हमारा किसान सभा आंदोलन को बंद नहीं किया। वो एक जीत के बाद, वो भारी विजय के बाद बिजली के इशू पर अगले इशू लेके बहुत तेज़ी से उतारा और सरकार पूरा राज्य में भारी आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में तय हुआ था कि सरकार पूरा 13 जिला में हमारा किसान, जहाँ सब जगह नहीं है, कुछ 13 जिला में हम किसान कर्फ्यू किया। और किसान कर्फ्यू का मतलब किसान, कोई सरकारी दफ्तरी ऑफिसर पुलिस किसी को हम गांव में घुसने नहीं दिया। इस आंदोलन का पार किसान कर्फ्यू का बाद सरकार ने झुका और ऐलान किया, हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि हम हर किसान के लिए 50,000 रुपया कर्जा माफ़ी करेंगे और दाम बढ़ाने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और ये करके करेंगे। मगर 6 महीना हो गया वो जो समझौता के बाद, लिखित समझौता के बाद भी कार्यान्वित नहीं हुआ। इसलिए इस बार हमारा किसान सभा दोबारा तय किया 22 फरवरी फिर पूरा देश से किसान आएगा और घेरेंगे असेंबली अनिर्दिष्टकाल के लिए, ये प्रोग्राम लिया था। तो दो दिन पहले से सब किसान उतर गया रास्ता में, मगर इस बार सरकार क्या किया, हर जगह में लाठीचार्ज किया, 30-40 जगह लाठीचार्ज किया, 700-800 लोग को हमारा जेल में डाला, अमराराम से लेके सारे बड़े नेता को जेल में डाल दिया। मगर इसमें किसान का जो गुस्सा फूटा, फिर भी कुछ हजारों किसान पहुंच गया जयपुर में। इसके दबाव से आखिर में सरकार ऐलान किया कोऑपरेटिव का टोटल ऋण वेब कर दिया, मुक्त कर दिया, उसमें करीब 33 लाख किसान का फायदा होगा। बाकी जो किसान है उसको अभी बात चल रहा है, और इस आंदोलन जो हमारा वहाँ का है राजस्थान का, वो भी चल रहा है, वो भी भारी जीत हुआ वहाँ भी 2-3 मुद्दे पर, ये भी किसान आंदोलन के उत्साह बढ़ाया है। इसके बाद इसी आंदोलन चल रहा था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किसान जो 8 सूत्री मांग लेके लड़ाई रखते, एक वो लोन वेवर है कर्जा माफी, एक है उसका फसल का 1.5 गुना दाम, एक है 3,000 रुपया किसान के लिए पेंशन, एक है जो आदिवासी का जो कानून है वो कानून लागू नहीं हुआ उसको लागू करना, फॉरेस्ट एक्ट, आदिवासी को पर्चा देना, एक है आदिवासी क्षेत्र में पानी नहीं है, 32 जो पानी का प्रोजेक्ट है रिवर लिंकिंग उसको त्वरान्वित करना, और ये सब मांग 8 सूत्री मांग लेके आंदोलन शुरू किया। पहले सरकार इसमें नज़र नहीं दिया, मगर जब हमारा किसान और बाकी किसान संगठन का एकजुट किया, 35 किसान संगठन इकट्ठा होकर एक संगठन का मोर्चा बनाया, सुकानू समिति के नेतृत्व में पिछले महीने में भारी आंदोलन हुआ, और हम सब्जी शहर में जाना बंद कर दिया, सब्जी दूध जो शहर मुंबई एकदम सब्जीहीन हो गया, तब सरकार ने झुका, हमारा लीडरशिप से बात किया और बात करके एग्री किया कि 34,000 करोड़ लोन को माफ़ कर देंगे और फसल का दाम के बारे में भी विचार करेंगे, ऐलान किया। मगर फिर भी वही सरकार जो है बुर्जुआ सरकार का कैरेक्टर है, एक दबाव के ऐलान करता है, दबाव के बाद भूल जाता है, तो इस तरह भूल गया। तो इसके लिए हमारे इस बार तय किया था कि हम ये बार एक भारी आंदोलन करेंगे। किसान काउंसिल का मीटिंग हुआ राज्य का, और कहाँ तय हुआ कि हम वहाँ
7-8 दिन का लगातार पदयात्रा करेंगे 50,000 किसान, और उसी प्रोग्राम के मुताबिक 6 मार्च नासिक में शुरू हुआ और करीब 35,000 वहाँ से शुरू किया। उसके बाद हर दिन रास्ता में बढ़ते गया और 12 तारीख असेंबली घेराव का कार्यक्रम था, तो हमारा लोग 11 रात में महाराष्ट्र बॉर्डर में पहुंच गया, 12 सुबह बॉम्बे शहर के अंदर मार्च करने का प्रोग्राम था असेंबली घेरने का। इस बीच सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आया, मगर इस समय हमारा पास खबर आया कि 12 तारीख 10 क्लास का फाइनल एग्ज़ाम है, तो हमारा किसान सभा इतना थकान का बावजूद भी थकान का रात में तय किया कि सुबह जाने से तो एग्ज़ाम का नुकसान होगा, वो रात 2 बजे से चल के बाकी आज़ाद मैदान पहुँच गया। इसमें भी काफ़ी मध्यम वर्गीय जनता देखा कि हम रिस्पॉन्सिबली हम किसान आंदोलन किया है, तो इस पर तो बहुत रास्ता में सपोर्ट मिला, लोग हिलाया, पाँव में खून निकाल रहा है, दवा दिया, लोग जूता खरीद करके दिया, तो एक पहले बार देखा भारी आंदोलन किस तरह आम जनता को प्रभावित करता है और आंदोलन को मजबूती देता है, तो ये भी हमारा लिए एक भारी ये हुआ। तो 12 तारीख जब घेरा, घेरने का बाद मुख्यमंत्री ने बुलाया, हमारा 11 डेलीगेट हमारा किसान नेता मिला सरकार से और वहाँ मीटिंग चला 3-3.5 घंटा, आखिर में सभी मांग में मोटा मोटी सहमति व्यक्त किया, और मगर हमारा कहना था भाई पिछले बार तुम वादा किया था हुआ नहीं, लिखित रूप में नहीं देने से हम नहीं मानेंगे, फिर जो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिखित रूप से उसको दिया और लिखित रूप से चीफ सेक्रेटरी साइन करके दिया, जो मांग पत्र है उसको लिखा कि इस मांग के लिए किसान आया था, सरकार इस पर विचार किया है और इसको कैसे कैसे लागू करेगा, काल आज सुबह असेंबली में चीफ मिनिस्टर एक्सप्लेन करेंगे, तो एक बार ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाएगा असेंबली में जब स्वीकार करेंगे, तो ये लिखित रूप में दिया। उसके बाद जो मांग माना है, एक तो माना है लोन वेवर, पहले लोन 34,000 करोड़ देके उसमें इतना शर्त लगाया था 10,000 करोड़ से ज़्यादा बांटेगा नहीं, तो हम बोला नहीं चलेगा सबको देना पड़ेगा, तो इस बार जो कंडीशन लगाया था शर्त लगाया था ये नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, ये सारे शर्त हटा दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान को मिलेगा, ये ही एक भारी जीत हुआ। दूसरा है हमारा फॉरेस्ट राइट टैक्स, उन्होंने झूठ बोला, आदिवासी को बोला माओवादी, आदिवासी को बोला ये सब आदिवासी किसान नहीं है, आदिवासी किसान नहीं है, 10% आदिवासी हिंदुस्तान का जहाँ जंगल में रहता है उसका भी खेती है, वहाँ भी वो खेती करता है, ये सरकार इतना गलत बोला माओवादी ये सब गलत है, वो उसका ज़मीन का कानून है, हम नहीं बोलता तुम दो, नया कानून है कि जिस ज़मीन में आदिवासी बैठा है उस ज़मीन उसका है, वो खेती कर सकता, और उस ज़मीन में डीएम के पास कलेक्टर के पास अपील करने से उसको पट्टा दिया जाएगा, ये कानून है 2006 का कानून है, मगर ये सरकार कानून को माना नहीं, पूरा देश में ये हाल है, तो महाराष्ट्र में भी एक कानून था, सरकार ने माना आदिवासी को ज़मीन को पर्चा देंगे और उस ज़मीन में उसको खेती करने का हक देंगे, 6 महीने के अंदर इसको पूरा करेंगे, ये भी बहुत भारी जीत था। तीसरा था हमारा पेंशन के बारे में, वो बोला पेंशन 600 रुपया मिलता है मगर अगले जो असेंबली सेशन होगा उस सेशन में कितना बढ़ाएगा सरकार बजट बजट देख के, हम 3,000 मांग किया, सरकार ने अपना बजट के पोजिशन देख के अगले सेशन में ऐलान करेंगे ये किसान का पेंशन कितना बढ़ेगा, ये भी एक प्रतिश्रुति लिखित रूप में मिला है। फसल के दाम के बारे में जो तय हुआ है तो बोला उसके स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट जो है C2 के फॉर्मूला के अनुसार, तो एक कमेटी बनाएगा, सरकारी मंत्री रहेगा और हमारा किसान सभा का प्रतिनिधि रहेगा, ये दोनों जॉइंट कमेटी ने बैठ के किस फसल का कितना दाम होना चाहिए व कितना दे सकता इसको चर्चा करके एक टाइम बाउंड प्रोग्राम लेके ये दाम बढ़ाने का भी फैसला करेगा, ये भी हुआ। इसके अलावा तय हुआ कि पानी आदिवासी क्षेत्र में 32 प्रोजेक्ट है बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कुछ रिवर लिंकिंग का सवाल है तो वो सब करके उस ज़मीन 32 प्रोजेक्ट को पूरा करके आदिवासी क्षेत्र में पीने का या खेती का पानी देने का भी है, तो मोटा मोटी जो मुख्य मांगे था इसको दायरे में सरकार स्वीकार किया है, ये महाराष्ट्र के लिए एक भारी जीत है और पूरा हिंदुस्तान का किसान आंदोलन के लिए ये भारी जीत है, बाकी राज्यों में आंदोलन चल रहा है। एक तरफ जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, हज़ारों किसान
मुंबई की तरफ मार्च कर रहे थे, तो भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये अर्बन माओवेस्ट लोगों का आंदोलन है, ये जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स का आंदोलन है, और लेकिन किसान जो है वो लगातार मार्च करते रहे, तो इसकी तैयारियां कब से चल रही थी और इसके बारे में आपका क्या कहना है? तैयारी बहुत दिन पहले, मैं जैसे बताया, काउंसिल मीटिंग करके हमारा स्टेट का लीडर लोग गांव-गांव में किसान से संपर्क किया, आदिवासी से संपर्क किया, उसको बताया ये सब मांग लेके हम गया था, पूरा नहीं हुआ, इस बार ऐसा आंदोलन करेंगे कि वो मानने के लिए मजबूर हो। इस बात किसान के अंदर अच्छा प्रभाव पड़ा, किसान ने तैयार हो गया कि हम जितना भी तकलीफ हो हम मुंबई पहुंचेंगे। तो काफ़ी एक डेढ़ महीना का किसान के बीच में इंटेंसिव प्रचार के जरिए संगठन बनाया, कौन गांव से कौन जाएगा वो नाम बनाया, लिस्ट बनाया, और चलेंगे कैसे ये भी तय हुआ। जहाँ जहाँ रात में रुकेंगे उस जगह का लोग के बीच में हमारा कैंपेन किया कि भाई हमको खाना वाना दो, लोकल लोग को वो भी संगठित किया, जहाँ 50,000 लोग को कुछ नाश्ता खाना देना ये भी किया, वो भी हमारा लोग करवाया, ये सब किया हुआ था। तो इस तरह तैयारी के बाद आखिर में जाके मुंबई में हमारा कामयाबी आया, हम इसलिए अभी तक सामूहिक रूप से आंदोलन को विद्रोह किया है। एक तरफ जब लोग कह रहे थे कि त्रिपुरा के चुनाव के बाद वामपंथ खत्म हो गया है, दूसरी तरफ एक इतना बड़ा आंदोलन उभर के आता है राजस्थान में और महाराष्ट्र में, तो एक ये बड़ा सवाल हमारे सामने है कि क्या वाम वाकई ख़त्म हो गया है कि आगे का रास्ता अभी और है? हम पहले ही बताया था कि वामपंथा ये ख़त्म नहीं हो सकता, लेनिन को मूर्ति हटा के लेनिनवाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हिटलर भी कोशिश किया था, हिटलर ख़त्म हो गया मगर लेनिनवाद ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये गरीब का जीने का इतिहास है, गरीब का जीने का संघर्ष है, और जनता का उसका तैयारी गरीब करता है, उसका रोटी रोजी, उसका रहने सहन का बात, उसका परिवार का स्वास्थ्य शिक्षा का बात, ये हमारा देश में 70% लोग के मिलता नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा ही हाल है। जब तक गरीब का समस्या हाल नहीं होगा, गरीब इसके खिलाफ लड़ेगा, और गरीब का ये लड़ाई जब तक जिंदा रहेगा, गरीब का लड़ाई लाल झंडा का जन्म देता है। तो इसलिए गरीब जब तक लड़ते रहेंगे, अपना गरीबी के खिलाफ लड़ने दूर करने के गरीबी संघर्ष करते रहेंगे, वो किसी भी कोशिश करो, जितना फैसीबाजी ताकत हो, जितना गुंडागर्दी करे, वो ये गरीब का संघर्ष को ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए लाल झंडा एक जगह दबा गया तो दूसरी जगह उभर के आएगा, दूसरी जगह दबेगा तो तीसरी जगह उभर के आएगा। ये आखिरी सवाल होगा कि ऑल इंडिया किसान सभा भूमि अधिकार आंदोलन और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक महत्वपूर्ण भाग भी है, आगे ऐसे और क्या संघर्ष हैं जो ऑल इंडिया किसान सभा करने वाला है और हमारा ये कई मुद्दे? अगले 18-19 मार्च अगले हफ्ते में हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का केंद्रीय समिति का CKC का मीटिंग है। इस मीटिंग में हम जितना लड़ाई अभी तक हुआ है इसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद इसको कैसे, जैसे हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था पिछले अक्टूबर में, वहाँ ये आंदोलन को योजना बनाया था, ये 6 महीना में बहुत जगह लागू हुआ, कुछ जगह गेन भी हुआ, तो अगले CKC मीटिंग में हम रिव्यू करेंगे 6 महीने का आंदोलन का कितना हुआ कितना नहीं हुआ, उसके आधार पर अगले दिन क्या आंदोलन होगा किसान आंदोलन, उसको कार्यक्रम हम अगले मीटिंग में तय करेंगे। साथ साथ ऑल इंडिया किसान संघर्ष काउंसिल जो है, जितना 192 संगठन को हम गोलबंद किया जिसमें हमारे भी भारी योगदान है, तो उसका मीटिंग है आगामी 17 तारीख, और 17 मार्च को उस AIKCC का वर्किंग कमेटी का मीटिंग है, वहाँ उसको हमारा जो संयुक्त आंदोलन उसको भी किया भविष्य में किया, 2 बिल हम बनाया था और उसके आधार पर पार्लियामेंट में हम किसान संसद किया था, और वो 2 बिल लेके हम पूरा हिंदुस्तान में चर्चा किया, 2 बिल जो एक कर्ज माफी और एक है 1.5 गुना दाम, ये लेके जब पूरा देश में चर्चा किया, सारे देश का 22-23 कैपिटल में या कुछ डिस्ट्रिक्ट शहर में भी 50 से ज़्यादा सेमिनार हुआ, वो 2 कानून में किसान लीडर आया, हजारों वकील आया, बुद्धिजीवी आया, हम अपील किया भाई ये कानून सरकारी कानून में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए हम किसान खुद ये कानून का ड्राफ्ट बनाया है, आप सुझाव दो इसको कैसे बेहतर किया जाए, तो वो सब सुझाव आया है, एक कमेटी बैठा है, वो कमेटी उसको चर्चा करके फाइनल करेगा, फाइनल होने के बाद हम स्पीकर को देंगे कि तुम्हारा कानून से हमारा कोई फायदा नहीं, ये कानून बनाओ, और वो कानून का कॉपी ड्राफ्ट हम सारे पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस में जाके देंगे कि तुम किसान का दोस्त हो तो ये कानून बनाओ पार्लियामेंट में,
और ना ही बनाओ तो हम किसान को बोलेंगे तुम पार्टी किसान का दुश्मन है, ये कैंपेन आने वाला दिन में ले जाएंगे। तो उसका तैयारी हमारा वर्किंग कमेटी या IKSCC का वर्किंग कमेटी करके, और भूमि अधिकार आंदोलन जो है वो ये भी और एक मोर्चा है जो भी हमारा लीडरशिप में है, उसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताएंगे। 20 और 21 मार्च दो दिन मबलंकर हॉल के बाजू में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ग्राउंड है वहाँ हम दो दिन का भारी प्रोग्राम कर रहे हैं। एक है कि जो लिंचिंग हो रहा है, लिंचिंग हुआ जो गांव के नाम पे गो रक्षक ने खून खराबी करते RSS बजरंगी गुंडों ने, उसके जो परिवार है ऐसा 30-40 परिवार का लोग वहाँ आएगा वो मीटिंग में, वो बोलेंगे क्या क्या हुआ, और एक एग्जीबिशन हो रहा है लिंचिंग के ऊपर होगा, और हम एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाया था जो ये सब घूम के आया, वो एक रिपोर्ट बनाया है, वो रिपोर्ट वहाँ रिलीज करा जाएगा। उसके बाद आफ्टरनून में ये लिंचिंग जो हुआ इसके खिलाफ जन आंदोलन की क्या भूमिका है एक सेमिनार होगा, सारे जन संगठन और सामाजिक संगठन उसमें भाग लेंगे कि कैसे कैसे उस लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 20 को हो जाएगा, 21 तारीख ये चर्चा चलेगा, और 21 तारीख 2 बजे से 5 बजे तक हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया है, और वहाँ बोलेंगे ये जो हम लड़ रहे हैं किसान, आप पॉलिटिकल पार्टी बताओ आपका इस आंदोलन के बारे में क्या ओपिनियन है। सो ये भी एक हमारा राजनीतिक मत तैयार करने में मदद मिलेगा, कारण एक लड़ाई का अंत तो राजनीति है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इलेक्शन के पहले वादा किया था, 300-350 पब्लिक मीटिंग में बोला था कि हम सत्ता में आएंगे तो 1.5 गुना दाम निश्चित करेंगे और किसान का लोन वेवर करेंगे, ये सब करेंगे। वहाँ सत्ता में आने के बाद गद्दारी किया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके बोला हम 1.5 गुना दाम दे नहीं सकता, और उसको अरुण जेटली ने ऐलान कर दिया कोई राज्य सरकार लोन वेव करे हम सेंटर से पैसे नहीं देंगे, और जो बीमा बनाया था प्रधानमंत्री ये अलग जुमला है, ये एक चीटिंग है, कोई किसान का कोई फायदा नहीं मिला। तो मोदी सरकार का जो किसान विरोधी नीति है, किसान विरोधी भूमिका है, किसान के धोखा दिया है चुनाव के पहले और आज गद्दारी कर रहा है, ये सारे राजनीतिक सवाल भी है। तो हम जब पूरा देश में किसान आंदोलन को संगठित करेंगे, कर रहा है, इसमें किसान के सामने ये सरकार का किसान विरोधी चरित्र को भी हम उजागर कर रहा है, और किसान भी तय करेगा कौन दल उसका दोस्त है कौन दल उसका दुश्मन है। अगले चुनाव में जरूर किसान सोच बूझ के अपना सरकार बनाने के एक फैसला भी कर सकता। हम किसान आंदोलन इसको मदद कर रहा है, जनता को किसानों को इस परिस्थिति में कैसे फैसला करना चाहिए इस आंदोलन उसको मदद करेगा। न्यूज़ क्लिक में आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।